नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, हर मास में आने वाली एकादशी तिथि का अपना एक खास महत्व होता है। साल में आने वाली सभी एकादशियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं, एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, और इन्हीं में से एक है परिवर्तनी एकादशी, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। दोस्तों, इस दिन को हम पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन को डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों इस एकादशी को हम वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के वामन स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, विशेषकर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन उस स्वरूप में श्री हरि को हम पूजते हैं, और इस दिन जैसा मैंने बताया पद्मा एकादशी के नाम से भी हम परिवर्तनी एकादशी को जानते हैं। तो ऐसे में इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा कर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2021 में परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, इस साल 2021 में परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है, और हालांकि तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 16 सितंबर को ही, लेकिन क्योंकि उदया तिथि में आपको 17 सितंबर को मिलेगी, तो अगर आप व्रत करते हैं परिवर्तनी एकादशी का, इस दिन विशेष पूजा पाठ उपाय करते हैं, तो वो आप 17 सितंबर को करेंगे। संपूर्णता से आगे में जानकारियां, एक एक कर पूजा विधि, इस दिन हमें भगवान के वामन स्वरूप की पूजा आराधना किस प्रकार करनी है, शुभ समय क्या है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और इस दिन खास तौर पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, श्री हरि की कृपा के लिए हमें क्या वो छोटे छोटे उपाय काम करने चाहिए, जिससे श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको तिथि बता देती हूं दोस्तों, कि परिवर्तनी एकादशी शुरू कब हो रही है। तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर को सुबह 11:06 पर, जो कि समाप्त हो जाएगी 17 सितंबर को सुबह 9:37 पर। तो ऐसे में उदया तिथि 17 सितंबर को, तो व्रत आपको 17 सितंबर को ही धारण करना है। तो कुछ एकादशियों का खास महत्व होता है, और ऐसे में जैसा हम सभी जानते हैं देवशयनी एकादशी के बाद परिवर्तनी एकादशी का भी बहुत विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन श्रीहरि योग निद्रा में जाते हैं, चातुर्मास का प्रारंभ होता है, और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु करवट योग निद्रा में बदलते हैं। तो ऐसे में उनका स्थान परिवर्तन होता है, इसी वजह से इस एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं वो भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है, जो कथा है उसके मुताबिक चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु वामन रूप में ही पाताल लोक में निवास करते हैं। तो ऐसे में भाद्रपद में पड़ने वाली इस परिवर्तनी एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से ऐसा माना जाता है कि वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाभारत में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और माता लक्ष्मी की पूजा भी विशेषकर होती है, क्योंकि इस एकादशी को हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं, और इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, उनके यहाँ कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन जो पूजा विधि आपको रखनी है वो कैसे रखनी है, ये ध्यान दें। जैसा हम सभी जानते हैं दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप एकादशी तिथि करते हैं तो दशमी तिथि से ही आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। आप एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लेंगे शुभ मुहूर्त पर, और उसके बाद पूजा करेंगे। आप सुबह उठे सबसे पहले स्नान कर ले, और इसके बाद एक चौकी पाटा सजाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो जो भी आप रखते हैं उसे विराजमान कराएं, और इसके बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान करते हुए ही उनका पूजन अर्चन भोग और आरती आप करें। इस दिन भगवान विष्णु को
पीले वस्तुएं आपको अर्पित करनी चाहिए। विशेषकर आपको पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फूल, भगवान को जो वस्त्र अर्पित करते हैं वो पीले रंग के होने चाहिए। सफेद तिल इस दिन आप अर्पित करें। और दोस्तों, इस दिन भगवान को आप बहुत ध्यान से तुलसी दलों की एक माला जरूर अर्पित करें। अगर माला बना सके बहुत अच्छा है, नहीं बन पाती है तो तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके बाद में आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए और श्रीहरि की आरती करनी चाहिए। इस दिन माता की पूजा आपको विशेष कर करनी है। माता की पूजा में आप उन्हें अगर मिल सके तो एक कमल का फूल अर्पित करें, अगर नहीं हो सके तो लाल पुष्प ही आप माँ को अर्पित कर दें। गुलाब के फूल भी माँ को बहुत प्रिय हैं तो आप गुलाब के फूल अर्पित करें। माता के लिए आप उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माता को इत्र जरूर अर्पित करें। वस्त्र जो अर्पित करें वो लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और जो भोग लगाए माता को वो सफेद रंग का भोग होना चाहिए। तो भगवान को पीले रंग का और माता लक्ष्मी को सफेद भोग प्रिय है तो आप सफेद भोग ही उन्हें इस दिन अर्पित करें। इसके बाद में आपको द्वादशी तिथि में व्रत का विधि विधान के साथ पारना करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग इस एकादशी व्रत का विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, व्रत का पारण आपको किस समय करना है ये समय नोट कर लें। व्रत का पारण मतलब व्रत खोलने का समय। दोस्तों, ये समय शुरू होता है 18 सितंबर को सुबह 6:08 से 8:24 तक। द्वादशी तिथि 8:24 में समाप्त होगी तो उससे पहले आपको व्रत खोल लेना चाहिए। तो आप ऐसा ही करें, परिवर्तनी एकादशी का व्रत आप इसी समय में खोल लें। अब इस दिन विशेष क्या कार्य है जो आपको करने जरूर चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको जो दान होता है, दान में आप इस दिन गेहूं का दान करें, मतलब पीले अन्न का दान बहुत महत्व रखता है। पीले फलों का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें। इस दिन पीले फल, गेहूं, वस्त्र, इन सब चीजों के दान से ऐसा कहा जाता है जिस भी आप कामना के लिए ऐसा कर रहे हैं वो कामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। परिवर्तनी एकादशी के दिन दोस्तों सिंदूर दान से, सिंदूर का अगर आप दान करते हैं इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है पुराने से पुराना कर्ज भी माफ हो जाता है। तो इस दिन आप ये जो दो उपाय है दोस्तों जरूर कर लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। परिवर्तनी एकादशी साल के कुछ मुख्य एकादशियों में से एक है। दोस्तों, अगर आप साल के सभी एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण जरूर करना चाहिए। श्रीहरि माँ लक्ष्मी दोनों की ही विशेष कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी हो, लाभकारी साबित हो। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, इसी तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा कर रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।